में सुहाग की निशानी का चूड़ा हवा में लहराते बाजू और बुलंद आवाज में खुद की मांगों को मुखर करती हजारों महिलाएं। यह नज़ारा है बाड़मेर जिला मुख्यालय का, जहां अपनी मांगों को लेकर हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब विरोध के रण में उतर चुकी है। इनका कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक विरोध और प्रबल होता रहेगा। सरहदी बाड़मेर की हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। राजस्थान में सुहाग के प्रतीक चूड़े को पहनकर यह मैदान में उतर चुकी है और हाथ उठाकर सरकार से दो दो हाथ करने को आमदा हो चुकी है। हमारी मांगे ये हैं कि आंगनवाड़ी परिवार संगठन को हमारे को परमानेंट करो और हमको काम के बदले काम और दाम के बदले दाम चाहिए। हम लगातार काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर हम 2 बजे तक हमारा काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को स्कूल से जो घर से लाकर सही का हमारी है वो घर से लाकर आंगनवाड़ी केंद्र पर लाती है। और ये KYC है, श्रमजीवी योजना है, कुपोषण वाले बच्चे हैं, हम सभी को लाभ देते हैं, तो उसके बदले में हमको दाम चाहिए और हमारे को परमानेंट ऑर्डर है और परमानेंट करो। हम किसी महिला गरीब है, उसे उसके सिर पर आंगनवाड़ी परिवार से ही उसका घर चलता है और बाकी कुछ पैसे नहीं चलते उसके हिसाब से, तो हम बोलते हैं कि हमारे को परमानेंट करो। तो कुछ महंगवाड़ी की वजह से हम तो 7,000 में तो क्या होता है, 7,000 में तो कुछ होता भी नहीं है, लगभग हमारा भाड़ा भी है वो भी वसूल नहीं होता है। इसलिए सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि हमारे को परमानेंट करो और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम भी दो और परमानेंट भी करो। काम तो हम वैसे भी करते ही हैं, छोटे से लेकर बड़े तक काम करते हैं और सभी बच्चों को पढ़ाते ही हैं, उसका वजन, हाइट, गर्भवती महिला, उसका टीका, एक एक पॉइंट उसको ध्यान रखते हैं। धात्री महिला होती है, उसमें 6 महीने तक बच्चों को हम देखभाल करते हैं, इतना उसका परिवार भी नहीं करता इतना हमारी आंगनवाड़ी परिवार संगठन करते हैं। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करूँ कि हमारा हौसला बढ़ाए और हमारे को परमानेंट करे। चूड़ा तो तपता ही है नहीं, गर्मी तो बहुत तपता है, धूप में तपता है, तपता है, क्या करते परमानेंट नहीं करते, और पैसे तो बाकी कम ही आते हैं, क्या करें। अब तो मतलब परमानेंट नहीं करेंगे तब तक मैदान में बैठे रहोगे। तो मैदान में बैठे रहेंगे, घूम कर तल पर बैठ जाएंगे, क्या करें। 3500 रुपये मिलते, 3500 रुपये क्या आते हैं आज,